Welcome to the next video lecture of real number. So today is lecture number 6. अब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट? HCF एंड LCM. आई होप अभी तक जो भी पूरा चैप्टर हम लोग ने किया है वो आपको इजीली समझा है और ये पार्ट भी इजीली समझेगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको एक फंडा दे देता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है. सो टोटल आपको 3 स्टेप्स में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. ऑब्वियसली ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर टू फाइंड HCF और वेदर टू फाइंड LCM. अब आप बोलोगे सर हम लोग दोनों लिख के आएंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. आइदर इट इज LCM और HCF. अब सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है यू हैव टू रीड इट ट्वाइस. दो बार उसको अच्छे से रीड करो स्टूडेंट्स. ये पहला फंडा, ये पहला स्टेप है वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए. नाउ सेकेंड थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम, दो बार हम लोग ने पढ़ लिया. नाउ सेकेंड थिंग इज यू नीड टू कन्वर्ट दैट वर्ड प्रॉब्लम इन योर लैंग्वेज, इन योर मीनिंग. आपको क्या समझा उसमें से आपको उसमें को कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी वर्ड प्रॉब्लम जो है इट विल बी ऑलवेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. So you have to convert in your own language, whether you are comfortable in Gujarati, whether you are comfortable in Marathi, whether you are comfortable in Kachchi also, you can do that. But the thing is, ये word problem आपको क्या समझा वो आपके language में convert कर दो, तो it will be more easy to understand. That is the second step. हम लोग देखते हैं ये own language में convert करने का खासियत है. आपको पता होगा तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है हम लोग टाइप इंग्लिश में करते हैं, बट उसका जो सिस्टम का लैंग्वेज होता है इट इज बाइनरी लैंग्वेज बेटा. बहुत सारे लोगों को पता होगा ये. तो वैसे ही हमको अपना वर्ड प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट कर लेना है हमारे लैंग्वेज में. और आपको क्या समझा और क्या पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा उस पर ध्यान दो, ठीक है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इसका आपको एक मेन फंडा आपको क्लियर हो जाएगा कि HCF है कि LCM है. तो क्वेश्चन रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद अपने लैंग्वेज में थर्ड थिंग इज HCF और LCM है वो कैसे पता चलेगा. तो इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स. आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है. अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें आपको जो डेटा दिया गया रहेगा, जो डेटा रहेगा क्वेश्चन में, दो नंबर रहेंगे ना HCF LCM के लिए तो दो नंबर रहेंगे, तो वो दो नंबर का जो डेटा है, टू नंबर्स डिफरेंट नंबर्स, आपको क्या करना है जो क्वेश्चन पूछा है उसको कंपेयर करना है आपके गिवन डेटा से. अब गिवन डेटा से कैसे कंपेयर करना है, जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा है HCF के LCM उसके अंदर आपको याद रखना है कि अगर जो तुम्हारा डेटा है, अगर आपको लगता है कि जो मेरा, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि जो आपका आंसर है क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर जो है वो मेरे गिवन डेटा से बड़ा है कि छोटा है, गिवन डेटा से बड़ा है कि छोटा. आइदर द आंसर विल बी बिगर और आइदर द आंसर विल बी स्मॉलर फ्रॉम द गिवन डेटा. मतलब गिवन डेटा से आइदर आंसर बड़ा रहेगा और आइदर आंसर छोटा रहेगा. आपको ये क्रैक करने आना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि जो मेरा क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर आने वाला है वो ये दो नंबर से, गिवन दो नंबर से बड़ा रहेगा कि छोटा. एज यू ऑल नो अगर वो बड़ा आंसर रहेगा तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर हमेशा LCM का होता है. आपने प्रीवियसली भी सॉल्व किया रहेगा तो LCM का आंसर देखो बड़ा बड़ा आता था. और अगर आपको लगता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो डेटा इन दोनों नंबर से छोटा रहेगा तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड HCF. याद रखना ये, इफ इट इज आंसर इज बिगर, अगर आपको लगता है इसका आंसर जो है क्वेश्चन का वो बड़ा आने वाला है तो यू नीड टू फाइंड LCM. अगर छोटा आने वाला है गिवन डेटा से, गिवन डेटा से कंपेयर करना और किसी से नहीं. क्लियर? सो इस पे बेस्ड हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं. एकदम इजी है, समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम से. मैं थोड़े एक्स्ट्रा सम्स भी आपके लिए लाया हूं. सो पहले हम लोग जो टेक्सचुअल सम्स है वो कवर कर लेते हैं. सो एक्सरसाइज 1.2 में आपको एक 7th क्वेश्चन मिलेगा. पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं. देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन अ वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं. तो इसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाई सोनिया ने कितना मिनट्स लिया, 18 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड. तो मैं वो लिख देता हूं, ये जो सोनिया है शी इज टेकिंग 18 मिनट्स टू कंप्लीट सिंगल सर्कुलर राउंड. और दूसरा रवि है
Ravi takes 12 minutes. So obviously faster कौन हुआ? Ravi. Sonia थोड़ी slower है. मतलब Ravi आगे आगे भाग रहा है, Sonia पीछे. अब देखो, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? अब इसको समझो क्वेश्चन को. ये सर्कुलर राउंड है स्टूडेंट्स. ये स्टार्ट पॉइंट है और यही एंड पॉइंट है. दिस इज स्टार्ट एंड दिस इज एंड ओनली. अब क्या कर रहे हैं? रवि और सोनिया बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली. रवि एंड सोनिया बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. सो रवि कितना मिनट लेगा यहां से घूम के लिया? 12 मिनट्स. सोनिया कितना मिनट्स लेगी? धीरे 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 आके कंप्लीट होगा 18 मिनट्स. अब ऑब्वियस है, जब ये 18 मिनट्स राउंड कंप्लीट करेगी यहां पे, तो ऑब्वियसली रवि विल मूव अगेन. रवि आगे भाग जाएगा, यस और नो? ये रवि जो है ऑब्वियसली 18 मिनट्स के बाद जो है वो थोड़ा सा आगे निकल गया होगा और ये 18 मिनट्स पे इसका जस्ट कंप्लीट हुआ रहेगा, बिकॉज रवि को खाली 12 मिनट्स लग रहा है. तो रवि इज 6 मिनट्स अहेड ऑफ सोनिया, तो ये 6 मिनट और आगे जाएगा. अब क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कोई टाइम आएगा जहां पे ये दोनों मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई टाइम बताओ जिसपे ये दोनों मिलेंगे. अब इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं. आपने सबने रेस देखा है, रेस. अगर कोई भी मोटरसाइकिल या आप देखोगे R1 रेस वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट स्टार्ट करता है और सबके नंबर्स होते हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट करता है. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट वाला लैप कंप्लीट करता है तब तक उसको बाकी के लोग ओवरटेक कर लेते हैं, राइट. तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो ओवरटेक का ही है. ऑब्वियसली कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि लास्ट वाला यहां पे पांचवा लैप कंप्लीट करता रहेगा और जो फर्स्ट वाला रहेगा उसका सिक्स्थ लैप कंप्लीट हो चुका रहेगा यही पॉइंट पे. तो इसका मतलब रवि जो है वो ज्यादा राउंड लेगा एज कंपेयर टू सोनिया. तो रवि ऑब्वियसली ज्यादा राउंड रहेगा, बट कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जो रवि रहेगा वो सोनिया को स्टार्ट पॉइंट पे मिलेगा, ऑन द पॉइंट दैट रवि हैज कंप्लीटेड मोर राउंड्स. हां, क्या वो कंडीशन है? तो हम लोग को वो ढूंढना है, टाइम इन मिनट्स. तो वी नीड टू फाइंड, मैंने बोला था आपको ढूंढना है टाइम इन मिनट्स, कौन से टाइम के बाद ये मिलेगा, यहां पे ये दोनों वापस मिलेंगे. तो देखो कौन से टाइम के बाद ये लोग दोनों मिलेंगे उसका हम लोग मिनट्स में आंसर ढूंढना है. नाउ ऑब्जर्व स्टूडेंट्स केयरफुली, जो डेटा है उसमें 18 और 12 मिनट है. आपको क्या लगता है कि ये लोग दोनों जो है वो 18 और 12 मिनट पे ही मिल लेंगे? नॉट पॉसिबल. 18 मिनट पे सोनिया यहां पे है और 18 मिनट पे ये बंदा यहां पे रवि, 12 मिनट पे रवि यहां पे, सोनिया यहां कहां पीछे रहेगी, क्लियर? सो आपका जो आंसर है वो ऑब्वियसली 18 और 12 मिनट से ज्यादा ही आने वाला है कि कम आने वाला है? ऑब्वियसली ज्यादा ही आने वाला है, यस और नो? 18 और 12 मिनट्स पे तो वो लोग नहीं मिलने वाले, बिकॉज रिस्पेक्टिवली वो लोग अलग अलग पोजिशन पे है. सो आफ्टर 18 एंड 12 मिनट्स ही आपका आंसर पॉसिबल होगा. तो आंसर विल बी ग्रेटर देन दिस डिजिट. If it is greater, then we need to find what? We need to find LCM students. अब आपको word problem को लिखना क्या है? To find after how many minutes they will meet at starting point is given by LCM of टू नंबर्स, बाय गेट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. अभी आपको एलसीएम ढूंढना है, तो एलसीएम के लिए हम लोग के पास प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही मेथड है. सो एलसीएम ऑफ 18 और 12 निकालना है. सो पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 3 स्क्वेयर. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 3. अब एलसीएम ढूंढना है, तो एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट है, लेकिन पावर हमेशा बड़ा लेता है और हर एक फैक्टर को एंटरटेन करता है. तो यहां पे 2 और 2 स्क्वायर में से क्या आएगा? सिर्फ 2 स्क्वायर. 3 और 3 स्क्वायर में से क्या आएगा? सिर्फ 3 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर इज 4, इसका आएगा 9. 4 9 जा 36. तो आफ्टर 36 मिनट्स, सॉरी, हाँ, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द अगेन मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट. सो ये आ जाएगा मेरा आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. आपको मैंने ट्रिक दे दिया है. आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्वियसली जो आंसर रहेगा वो, अगर आपका ये दोनों डेटा से बड़ा है तो एलसीएम ढूंढना है, अगर छोटा आंसर आता तो एचसीएफ ढूंढना होता. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1.1 एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा एंड वहां पे आप सोचना कि आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, सिंपल आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। सो पहले मैं यहाँ पे 1.1 में आ जाता हूं। सो इन 1.1 इफ यू ऑब्जर्व यू हैव गॉट थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब यहां पे शायद स्कूल में आपको बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम, डोंट गो फॉर दैट। मैक्सिमम मिनिमम ऐसे वर्ड्स पे मत जाओ बिकॉज इंग्लिश इज वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। तो आपका जो मैक्सिमम मिनिमम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और एचसीएफ का एलसीएम या तो उल्टा फुल्टा कर दोगे। सो डोंट गो विद दैट। मैंने जो थर्ड ट्रिक दिया उस पर ध्यान दो। अब हम लोग को यहां पे देखना है डेटा। सो आर्मी मेंबर्स कितने हैं मेरे? आर्मी मेंबर्स है 616 मेंबर्स, राइट? आर्मी मेंबर्स है 616। और बैंड मेंबर रहते हैं परेड में, आपको पता रहेगा 32 है, ठीक है? तो आर्मी मेंबर कितने हैं? 616। बैंड मेंबर कितने हैं? 32। अब ये लोग को मार्च करना है, मार्च परेड करना है। और परेड क्या रहेगा? कॉलम वाइज सब खड़े रहेंगे, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, ये बैंड मेंबर जो है वो आगे खड़े रहेंगे और बाकी के आर्मी मेंबर उसके पीछे खड़े रहेंगे। सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट सबके सब अकोमोडेड हो जाए। बैंड मेंबर 32 भी अकोमोडेड हो जाए और उसके पीछे आर्मी मेंबर 616 भी अकोमोडेड हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा वो ये गिवन डेटा से आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? वो गिवन डेटा से आपका आंसर जो रहेगा हमेशा छोटा आएगा ना। नंबर ऑफ कॉलम्स 616 होगा क्या? 616 से ज्यादा होगा? नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो गए ना। अगर वो 616 होगा तो एक कॉलम में एक ही आर्मी मेंबर परेड कर रहा था, मजा आ रहा था उससे, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ। सो नंबर ऑफ कॉलम्स विल ऑलवेज बी लेस देन दिस। तो कम आंसर है। कम आंसर मतलब क्या ढूंढना पड़ेगा? HCF। तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच मेंबर आर्मी मेंबर विल मार्च इज गिवन बाय। थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो हैंडराइटिंग नहीं है तो आप वर्ड पे जाना। गिवन बाय HCF ऑफ टू नंबर्स। अभी आप HCF जो है वो दो तरीके से ढूंढ सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ढूंढ सकते हो, और हम लोग किससे ढूंढ सकते हैं? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 616 और 32 आप यूक्लिड डिवीजन से ढूंढोगे तो भी चलेगा, या प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे। बट आपको मैं यहाँ पे टास्क देता हूं, यू नीड टू फाइंड दिस विथ यूक्लिड डिवीजन लेमा कंपल्सरी। ये आपको होमवर्क है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का रूल यूज करके यू विल फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स और फाइनल आपको स्टेटमेंट लिखना है। सो आई होप इट इज क्लियर। ये HCF का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है, वो भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल विल कवर पेज 6 पे है सॉल्व एग्जाम्पल, वो कवर कर लेते हैं। चलो सॉल्व एग्जाम्पल 4। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड बादाम 130 बादाम बर्फीज। चलो आ गया ना मुंह में पानी, आ गया ना काजू बर्फी बादाम बर्फी, बहुत दिन से खाया नहीं है लॉकडाउन की वजह से। पानी पूरी मिस कर रहे हैं, वड़ा पाव मिस कर रहे हैं, सब मिस कर रहे हैं, पिज्जा पास्ता सब मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो ऐसा आ गया हमारे नसीब में। 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। She wants to stake them in such a way that each stack has same number and they take up least area of a tray. What is the maximum number of burfi that can be placed in each stack for this purpose? अब देखो एकदम easy है। Suppose हम लोग एक example लेते हैं, ठीक है? ये जो भी है seller है, sweet seller है, and उसके पास कितना है?
काजू बर्फी और बादाम बर्फी, राइट? सो मेरे ख्याल से इसके पास 420 काजू बर्फी से, ओके. सो 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी. सो 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी. सपोज आपकी एक शॉप है, मिठाई की शॉप है, मजा है ना एकदम, मिठाई की शॉप, धंधा माला माल, पैसा ही पैसा. तो 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है. अब आपको आपके डैड ने एक टास्क दिया है. क्या टास्क दिया है? कि भाई इसको तू ट्रे में सजा के रख. आपने देखा रहेगा बहुत सारे जगह पे जाओगे आप, मोरबी वाला वगैरह फरसान की दुकान पे जाओगे तो वो लोग ने मिठाई के स्टैक्स बना के रखे थे, पेड़ा बर्फी काजू कतली सब अलग अलग, राइट? और मुंह में पानी आ गया. तो 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी. अब इसके अंदर आपके डैड ने आपको टास्क दिया कि यू हैव टू अरेंज देम इन अ ट्रे. अब इन अ ट्रे में आपको पापा ने कंडीशन दिया कि आपका जो स्टैक रहेगा वो दोनों का इक्वल स्टैक आना चाहिए, प्लस कम से कम एरिया यूज होना चाहिए ट्रे का. अब आपको इसको एक लेवल में लाना है, एक स्टैक बनाना है, अलग अलग उसका थप्पा बनाना है फॉर एग्जाम्पल, और नंबर ऑफ ट्रेस कम होनी चाहिए. तो हम लोग को वही पूछा है कि ये लोग जो है वो कितने नंबर ऑफ ट्रेस में, हम लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ो क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. मतलब दोनों की काजू बर्फी कितना रखना पड़ेगा और बादाम बर्फी कितना रखना पड़ेगा सो दैट लीस्ट एरिया अकोमोडेड हो. तो ऑब्वियसली 420 और 130 है, तो आपका आंसर बहुत सारे लोगों ने क्रैक कर लिया होगा. क्या लगता है आपका जो आंसर रहेगा, आपका जो नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, एक स्टैक में रखना है, तो वो आंसर इन दोनों से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली इन दोनों से आंसर कम रहेगा ना, क्योंकि आप एक साथ 420 का थप्पा बनाओगे क्या, बुर्ज खलीफा थोड़ी बनाना है, राइट? तो 420 130 एक साथ नहीं स्टैक हो पाएंगे. तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी लेस देन दिस. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द आंसर लेस देन दिस, मतलब क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, HCF ढूंढना पड़ेगा. तो यहां पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम बर्फी इन अ सिंगल स्टे वी नीड टू फाइंड, क्या ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वी नीड टू फाइंड HCF. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप HCF है कौन से मेथड से ढूंढ सकते हो, आप HCF यूक्लिड से भी ढूंढ सकते हो या प्राइम फैक्टराइजेशन से. वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मैंने प्रीवियस सम में कंपल्सन किया है. अब ये सम में मैं आपको यूक्लिड डिवीजन करके बताऊं, इजी है ना इसके. सो 420 इज इक्वल टू 130 से डिवाइड करोगे तो 13 का टेबल याद है, 13 टू जा 26 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा, चलेगा ना 390. तो 13 3 जा करेंगे, 13 3 जा 390 आएगा, तो 420 में से 390 क्या है तो 30 रिमाइंडर बचेगा. अब मैंने आपको सिखाया था आर इधर जीरो नहीं है, सो हम लोग 130 फर्दर सॉल्व करेंगे और ये 30 को भी आगे ले लेंगे. नाउ वी नो दैट 3 3 जा 9, 3 4 जा 120 चलेगा, 3 4 जा 34 जा 120 हो जाएगा और 10 बचेंगे. अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, सो 30 वापस सॉल्व करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे. अब ये हुई ना बात, यहां पर डिवाइड हो गया, 10 × 3 रिमाइंडर जीरो आ गया. कॉन्ग्रेचुलेशन, रिमाइंडर जीरो मतलब आपका जो डिवाइजर है वो आंसर है. सो आपका HCF ऑफ दिस नंबर इज 10. तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, देयरफॉर वी नीड टू मेक अ स्टैक ऑफ काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी. कितने में, कितने स्टैक्स बनाने हम लोग को, कितने स्टैक्स में डालना है, एक स्टैक में कितने आएंगे, 10 काजू एंड 10 बादाम बर्फी हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा. तो आई होप आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन समझे हैं. अब मैं आगे आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे आएंगे. सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आता होगा. द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 36 seconds, 60 seconds एंड 72 seconds. If they change simultaneously at 8 a.m., after what time will they change again simultaneously? So, yes, students, word problem hai. Achche se dekhna, students. 3 signals hai, apne signals dekhe honge. Ek signal jo after 36 seconds ke baad open hota hai.
दूसरा सिग्नल है 60 सेकेंड्स के बाद ओपन होता है एंड तीसरा सिग्नल है वो 72 सेकेंड्स के बाद ओपन होता है। अब हम लोग को यहां पे बोला है कि एग्जैक्टली 8 बजे तीनों एक साथ ओपन हुए थे, मतलब तीनों एक साथ ब्लिंक हुए थे, वॉट एवर इट इज, रेड ग्रीन जो भी है। अब नेक्स्ट वो कभी ब्लिंक होंगे, कितने बजे ब्लिंक होंगे, वो हम लोग को ढूंढना है। तो पहले मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हम लोग के पास तीन सिग्नल्स है, सपोज पांच रास्ता का एक सिग्नल है, एनएस रोड का एक सिग्नल है और जॉनसन एंड जॉनसन का एक सिग्नल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो पांच रास्ता, एनएस रोड और जॉनसन का एक सिग्नल है, एक होता है 36 सेकेंड्स के बाद, दूसरा होता है 60 सेकेंड्स के बाद और तीसरा होता है 72 सेकेंड्स के बाद ब्लिंक होता है। लेट मी चेक स्टूडेंट्स वंस अगेन, डेटा मैंने बराबर लिखा है कि नहीं, तो वरना मेरा को पटेगा। सो यस, 36, 60 सेकेंड्स एंड 72। नाउ दे आर ब्लिंकिंग 8 एएम को वो लोग ब्लिंक हो रहे हैं एग्जैक्टली एक साथ। अब हम लोग को बोला है वो बाद में कभी ब्लिंक होंगे वापस एक साथ, कितने बजे ब्लिंक होंगे, तो ऑब्वियसली आई नीड टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल ब्लिंक। अब आप दिमाग लगाना स्टूडेंट्स, 36 सेकेंड्स पे पांच रस्ते का सिग्नल हो रहा है, एनएस रोड का 60 सेकेंड्स के बाद, जॉनसन का 72 सेकेंड्स, हर एक 72 सेकेंड के बाद, मतलब पांच रस्ते का नेक्स्ट आएगा 36 और 36 सेकेंड ऐड कर दो तो 72 सेकेंड्स के बाद पांच रस्ता ब्लिंक होएगा, एनएस रोड का 120 सेकेंड्स के बाद, 72 का डबल आ जाएगा यहाँ पे 144 सेकेंड्स के बाद ये होगा एंड सो ऑन। तो हम लोग को चेक करना है कौन से सेकेंड पे ये लोग रिपीट होंगे, आफ्टर कितने सेकेंड्स के बाद ये लोग रिपीट होंगे एट द सेम टाइम। तो ऑब्वियसली आंसर विल बी ग्रेटर देन दिस और स्मॉलर देन दिस। ऑब्वियसली 36 सेकेंड पे तो खाली पांच रस्ता है, एनएस रोड और जॉनसन नहीं है, एनएस रोड का 60 सेकेंड्स पे पांच रस्ता और जॉनसन नहीं आएगा वो सेकेंड्स पे, जॉनसन का 72 सेकेंड्स पे ब्लिंक होता है, तो उस पे ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम लोग को ऐसा चाहिए कि कौन से टाइम पे ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आंसर विल बी ग्रेटर देन दिस। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा इसमें हम लोग को ढूंढना है एलसीएम, तो लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स। हम लोग को पता है एलसीएम तीन नंबर का कैसे ढूंढना है, आपको आइडिया है स्टूडेंट्स। सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, बराबर ना, 3 5 15 4 60। एंड 72 का आ जाएगा, 36 का डबल है तो 2 क्यूब कर दो, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब हम लोग को पता है एलसीएम ढूंढना है, तो एलसीएम के लिए व्हाट वी कैन डू, वी आर टेकिंग द हाइएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर फर्स्ट, तो हाइएस्ट पावर 2 स्क्वायर 2 क्यूब तो 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो इसमें 3 स्क्वायर 3 है और 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर बड़ा है तो 3 स्क्वायर लेंगे, और एलसीएम आपको पता है सबको बुलाता है पार्टी में तो ये 5 भी ले लेंगे। सो एलसीएम इज 2 क्यूब आ जाएगा तेरा 8, यह आ जाएगा 9 इंटू 5, तो ये कितना जाएगा 45 इंटू 8, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 360। सो आफ्टर 360 सेकेंड्स, और यू कैन से एट एग्जैक्टली 360 सेकेंड्स दे विल ब्लिंक साइमल्टेनियसली, मतलब इसमें भी 360 सेकेंड्स, इसमें भी 360 सेकेंड्स और जॉनसन के सिग्नल पे भी 360 सेकेंड्स बताएंगे। अब हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने सेकेंड्स के बाद ब्लिंक होंगे, हमको क्वेश्चन में पूछा है कितने बजे ब्लिंक होंगे, तो एक साथ कब ब्लिंक हुए थे, 8 बजे। अब ये 8 जो है आवर्स में है, ये सेकेंड्स में है, तो पहले मैं क्या करता हूं इसको मिनट्स में कर लेता हूं कन्वर्ट, तो 360 अपॉन 60 करोगे तो ये मिनट्स में आंसर आ जाएगा, 00 विल गो ऑफ 6, तो ये 6 मिनट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आफ्टर 8 o'clock और 6 मिनट तो कितने बजे ब्लिंक होंगे, सो एट 8 PM और यू कैन से 8 hours 6 minutes, सो 8:06 पे ये जॉनसन पांच रस्ता और एनएस रोड का सिग्नल ब्लिंक होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, शायद आरडी शर्मा का ही है, तो वो क्वेश्चन अभी देख लो, इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके स्क्रीन पे आता होगा, राइट। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं।
three sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height of each stack is the same. The number of English books is 96, the number of Hindi books is 240 and the number of mathematics books 336. देखो मैथमेटिक्स की 336 बुक्स है, कितना फेवरेट है सबका मैथ्स, तुमको क्या आता है। चलो अब हम लोग को ये बुक्स को अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स। अब यहां पे हम लोग पहले डेटा लिख देते हैं। सो इंग्लिश का बुक्स हमारे पास अवेलेबल है 96, हिंदी की बुक्स अवेलेबल है 240 एंड मैथ्स की हम लोग के पास बुक्स अवेलेबल है 336। अब इसको हम लोग को अरेंज करना है, स्टेक में लाना है, जैसे हम लोग काजू बर्फी बादाम बर्फी को स्टेक में लाए थे वैसे ही लाना है। बट यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन सच अ वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज, मतलब ये टॉपिक वाइज होनी चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश की बुक्स होनी चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स की बुक होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी की बुक होनी चाहिए एक ही स्टेक में, और इन सबकी थिकनेस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ स्टैक्स, मतलब इंग्लिश के कितने स्टैक्स बनेंगे, हिंदी के कितने स्टैक बनेंगे और मैथ्स के कितने स्टैक बनेंगे, और सबके स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आनी चाहिए। मतलब अगर आपने 10-10 का स्टैक बनाया तो इंग्लिश की 10 बुक्स होनी चाहिए, हिंदी की भी 10, मैथ्स की भी 10, ऐसा। सो नंबर ऑफ जो बुक्स रहेगा इन अ स्टैक वो सेम रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप इसको स्टैक में अरेंज करोगे, एक स्टैक में पूरा अरेंज करोगे बुक्स को, तो आंसर विल बी स्मॉलर देन दिस और ग्रेटर देन दिस। ऑब्वियसली आप 96 बुक्स का एक थप्पा बनाओगे क्या, 240 का बनाओगे, 336 का थप्पा बनाओगे, नॉट पॉसिबल। आप क्या करोगे, उसको छोटे नंबर्स, छोटे स्टेक्स में कन्वर्ट करोगे, तो दिस नंबर ऑफ स्टेक्स विल बी लेसर देन दिस। लेसर मतलब क्या, कम, कम मतलब एचसीएफ ढूंढना है, तो आप वही लिखोगे इन ऑर्डर टू फाइंड, सब लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ ईच बुक्स इन इक्वल नंबर इन सच अ वे दैट इट शुड बी इन इक्वल नंबर एंड इट शोड एज अ टॉपिक वाइज, वी नीड टू फाइंड द LCM, we need to find the HCF of a given number of books. So data देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे HCF 336 का, 240 का, 96 का, right? अब यहाँ पे आप कोई भी method कर सकते हो, यहाँ पे if you want you can do this fundamental theorem of arithmetic और Euclid भी कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर HCF है तो Euclid कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और तीन नंबर का एचसीएफ कैसे करना है वो तो सोचे ही। देखो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप क्या करो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। अब मैं वही करने वाला हूं, इन दोनों पहले दो दो की जोड़ी करेंगे, दो दोनों की जोड़ी है हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं 336। सो वी विल फर्स्ट फाइंड, इन फर्स्ट स्टेप विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 240। सो 336 इज इक्वल टू 240, तो 240 इंटू 1 प्लस कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 336 माइनस कर देते हैं, तो 336 माइनस 240 60 जाएगा, 33 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आंसर आएगा 96। सो रिमाइंडर यहाँ पे बचा 96, यहाँ पे आ जाएगा 240, 96 राइट ना स्टूडेंट्स, 96 बचेगा कि 116 बचेगा, 33 में से 24 गया तो हाँ 96 इंटू कितना जाएगा, 96 फाइजा नहीं टू जा करके देखते हैं, 192। सो 192 आ जाएगा, ये 192 चलेगा, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 240 माइनस 192 इसमें जाएगा तेरा, 10 में से इधर आएगा 13, यह जाएगा 8, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, तो यह आ जाएगा 48 बराबर। अब नेक्स्ट फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 96 इज इक्वल टू यहाँ पे 48 का डबल 96 है, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो आपका जो HCF होगा वो आपका होगा 48। अब आप बोलोगे सर हम लोग को तो तीन नंबर का ढूंढना है, आपने तो दो नंबर का ढूंढा, शांति। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आया ना बेटा, बहुत सारे लोगों को डाउट था, ये मुझे किसी ने तो पूछा था कि सर ये तीन नंबर का यूक्लिड से कैसे करेंगे, देख कैसे करेंगे बेटा, तो ये दो नंबर का मिल गया आंसर मिल गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करोगे,
इसका जो आंसर है ना उसका थर्ड नंबर के साथ करना है आपको एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 48, तो 96 और 48 का आपको देखो तुरंत आंसर मिलेगा, याद रखना स्टूडेंट्स हमेशा। इधर सेकंड स्टेप में आपको जो पहले नंबर का एचसीएफ में आंसर मिला वही फाइनल आंसर है आपका, यही आंसर है, बट बताने के लिए आपको थर्ड करना ही पड़ेगा। सो 96 इज इक्वल टू 48 का सीधा डबल प्लस 0, सो एचसीएफ ऑफ 3 नंबर इज 48। तो आप कितने नंबर ऑफ बुक्स की स्टैक बनाओगे, 48 48, मतलब 48 इंग्लिश की बुक्स, हिंदी की 48 बुक्स और मैथ्स की 48 बुक्स एक स्टैक में होनी चाहिए। अब हम लोग को पूछा है नंबर ऑफ स्टैक कितने हैं, क्वेश्चन देखना। तो ये तो हो गई बुक्स, अब इंग्लिश के कितने स्टैक बनेंगे, हिंदी के कितने बनेंगे, मैथ्स के कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ इंग्लिश के स्टैक कितने बनेंगे, इंग्लिश की बुक्स है 96, एक स्टैक में 48 है तो कितने स्टैक बनेंगे, 2। वैसे ही हिंदी के इसमें 240 है, 240 48, तो इसके कितने स्टैक बनेंगे, 48 मेरे ख्याल से यहां पे आ जाएगा 5 आएगा शायद, तो इधर 5 बुक्स बनेंगे, 5 स्टैक बनेंगे हिंदी के, 5 स्टैक बनेंगे 48 48 48 48, ऐसे 5 टाइम्स हिंदी के स्टैक बनेंगे। अभी मैथ्स के है वो आप ढूंढ के बताना। आई होप वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर है, ये दोनों मैंने सम्स एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए किया हुआ है। आप में किसी को डाउट होगा शायद स्कूल वर्कशीट में दिया हुआ है 3 नंबर का यूक्लिड डिवीजन से कैसे करना है, तो ऐसे ही करना है, पहले आपको 2 नंबर का ढूंढ लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ करना है, आंसर यही रहेगा बट फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल, ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू कवर थोड़े बहुत वर्कशीट के एक्स्ट्रा सम्स प्लस थोड़े इंपॉर्टेंट सम्स कवर करूंगा।